हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम दिवाली वेकेशन को कैसे यूटिलाइज़ करना है और 10th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपरेशन के लिए इसके बारे में बात करेंगे। सो हाउ टू यूटिलाइज़ दिवाली वेकेशन फॉर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी करूँगा या कल, अभी कल करूँगा या परसों करूँगा, नेक्स्ट वीक करूँगा, ऐसा सब अप्रोच है ये छोड़ दो। टुमारो, सम डे, नॉट श्योर, इन द फ्यूचर, ये सब अप्रोच छोड़ दो। अभी आपको अभी से स्टार्ट करना है, इट इज़ नाउ। अभी जो टाइम है वो यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ। भी दिवाली वेकेशन में बहुत सारे बच्चों का छुट्टी है, बहुत सारे बच्चों को 10-15 दिन की छुट्टी है। कोचिंग क्लासेस में शायद छुट्टी नहीं होगी, लेकिन स्कूल में छुट्टी है। तो उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मुझे आज एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, अभी नवंबर आ गया तो 3-4 महीने ही बचे एग्ज़ाम के लिए, तो अभी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये उसका आंसर है कि अभी 3-4 महीने बचे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो 10 दिन आपको मिल रहे हैं उसमें अगर आपने बहुत जी तोड़ के अगर मेहनत किया तो आपका जो बैकलॉग था वो थोड़ा आप भर सकते हो, ठीक है, भर के निकाल सकते हो। सो इवेल्युएट योर प्रोग्रेस, मतलब क्या कि अब तक आपने क्या क्या किया है, अब तक आपके कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए, अब तक आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ये आपको इवेल्युएट करना है। इसके बारे में आपको स्टडी करना है, इसके बारे में अपने आपको एनालाइज करना है। तो एक पेन और पेपर ले लो, उसमें हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट लिखो, जैसे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, इसमें सब कुछ सब सब्जेक्ट्स लिखो और उसके सामने जेन्युइनली अपने आप से एकदम हॉनेस्ट रहना है और लिखना है कि आपने कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, कितना। सपोज एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो एक भी चैप्टर मत लिखो, 10 में से एक किया है तो एक लिखो, और वो चैप्टर आपका एकदम अच्छे से होना चाहिए, कुछ भी आपको पूछेंगे तो उसमें से आना चाहिए। तो ऐसे लिखो जेन्युइनली कि आपने कितना चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट का कितना कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है तो कुछ भी, या जीरो लिखो, कुछ भी मत लिखो, ठीक है। तो एनालाइज करो खुद को, एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आपको कितना कोशिश करना पड़ेगा ताकि आप पास हो सकते हो या फिर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो सबसे पहला है इवेलुएट करो हर एक सब्जेक्ट को, इसमें लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देना है, नहीं तो क्या होगा, आप बाकी सब में पास हो जाओगे, लैंग्वेज वाले में फेल हो जाओगे। ऐसे एक हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड में कुछ साल पहले, मराठी जो सब्जेक्ट है उसमें अराउंड 2 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे, तो बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो गए लेकिन मराठी में फेल हो गए, उसके वजह से एक साल उनका गया। तो ऐसे मत करो, सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है। तो सबसे पहले इवेलुएट करो, प्रोग्रेस आपका देखो कि कितना हुआ है। सेकंड इज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ये बेस्ट टाइम है रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए पूरा सिलेबस आपका रिवाइज करके निकाल दो ये टाइम पे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो ये टाइम बेस्ट है। बैठो 4-5 घंटा दिन में और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, ठीक है, रिवीजन करके। उसके बाद गिव मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज, सेल्फ स्टडीज़ के लिए आपको इसमें टाइम देना है। बाकी जो बुक कंप्लीशन है उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, या दिवाली होमवर्क दिया है आपको उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका टाइम ज़्यादा जाना चाहिए सेल्फ स्टडीज़, मतलब खुद आपको बैठ के स्टडी करना चाहिए, उस आंसर्स को, क्वेश्चंस को स्टडी करना है। मैथ्स के सम्स है तो खुद बैठ के सॉल्व करना है, किसी के बुक से छापना इसमें कुछ स्टडी नहीं होती है, उसमें आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो बुक कंप्लीशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, दिवाली वेकेशन में होमवर्क दिया है इस टीचर ने भर भर के, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए सेल्फ स्टडी के ऊपर। प्रिपेयर अ टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल प्रिपेयर करो, 10 दिन आपके जो है, 10-15 दिन आपके पास जो है उसको प्लान करो कि ये 10-15 दिन में आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, और इस प्लान करते वक्त सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है, सभी सब्जेक्ट्स, किसी को इग्नोर नहीं करना है। या प्लान जब भी करोगे, टाइम टेबल जब भी बनाओगे तो ऐसे मत बनाओ कि सपोज़ मेरे पास 12 दिन है और सब्जेक्ट 6 है, तो ऐसे टाइम टेबल मत बनाओ कि आज 2 दिन में मैथ्स करूँगा, उसके बाद 2 दिन साइंस करूँगा, उसके बाद 2 दिन इंग्लिश करूँगा, उसके बाद 2 दिन हिस्ट्री करूँगा, या उसके बाद 2 दिन ज्योग्राफी करूँगा, ऐसे प्लान नहीं करना है आपको। इसमें क्या होगा, सपोज़ आपने स्टार्ट किया इंग्लिश से, मतलब आपने सोचा कि चलो 2 दिन में इंग्लिश के लिए दूंगा, लेकिन आपका 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, 3rd दिन पे उसको एक्सटेंड करोगे, या बाद में बोलोगे नहीं अभी चलो इंग्लिश छोड़ देता हूँ, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे चलो मैं मैथ्स लेता हूँ, मैथ्स वापस 2 दिन बैठोगे, 2 दिन कंप्लीट नहीं हुआ, 3rd दिन में जाएगा। ऐसे करके क्या होगा, आपका ये 2 ही सब्जेक्ट्स को टच कर पाए आप, ऐसे आपका पूरा सब्जेक्ट टच नहीं हो पाएगा और आपका कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा। इसमें क्या करना है, आपको सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है, कि टाइम टेबल जब भी बनाओगे तो एक दिन में कम से कम 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ने का कोशिश करो, ताकि क्या होगा, कुछ ना कुछ आप हर एक सब्जेक्ट्स में से पढ़ पा
कुछ ना कुछ आप पढ़ पाओगे। उसके बाद गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्टडिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि डिफिकल्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि बाकी सब्जेक्ट्स में आप निकल जाओगे, इसमें पीछे पड़ जाओगे या इसमें फेल भी हो सकते हो। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो। और आपका जो बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन का, हर एक आदमी का प्राइम टाइम होता है, मतलब किसी को दिन में सुबह एकदम अच्छे से पढ़ाई होती है, किसी को दोपहर में होती है, किसी को शाम में होती है, किसी को रात को होती है। तो ऐसा आपका टाइम, आपको पता होगा कि इस टाइम पे आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हो, उस टाइम पे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का स्टडी करो। ठीक है, तो टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आपका डेली का टाइम टेबल भी आपके पास रेडी होना चाहिए, और आपका 10 दिन का भी टाइम टेबल या 15 दिन का टाइम टेबल आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या करने वाले हो। और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ कि हवे में कुछ नहीं कि मैं करूँगा या 5 या 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको कुछ भी प्रिपरेशन आपका हुआ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट करूंगा, या ऐसा होगा नहीं। तो रियलिस्टिक बनाओ, ऑनेस्ट रहो अपने आप से। स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको स्टडी करना है। ऐसे मत करो कि आज 4 दिन ये करूंगा उसके बाद 4 दिन दूसरा करूंगा, ऐसे मत करो। मिक्स करो, सभी टॉपिक्स को टच करने का कोशिश करो, सभी सब्जेक्ट्स को टच करने का कोशिश करो। आज 3 सब्जेक्ट्स करो, कल 3 सब्जेक्ट्स करो, परसों वापस जो 3 सब्जेक्ट्स थे उसको रिपीट करो। ऐसे करोगे तो आपके सब सब्जेक्ट टच होने वाले। स्टिक टू वन बुक, जब भी आप स्टडी करोगे तो कोई भी एक बुक को अभी रिफ़र करना इंपॉर्टेंट है। अभी जो टाइम है आपके पास 3-4 महीने बचे, आप अगर सोचो कि आप सपोज कुछ आंसर्स टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हो, कुछ आंसर्स अगर डाइजेस्ट में से पढ़ रहे हो, कुछ आंसर मास्टर की में से पढ़ रहे हो, कुछ आंसर आपके दोस्त के नोट्स से पढ़ रहे हो, तो ऐसे करने में क्या होगा, आप जब भी बाद में रिविज़न करोगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन से बुक से कौन से जो क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि एक बुक के ऊपर स्टिक रहो, एक अच्छा बुक सिलेक्ट करो, उसमें से उसी बुक में से पढ़ाई करो। टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ाई करो। ठीक है, ज़्यादा करके टेक्स्ट बुक के आंसर्स बोर्ड में प्रीफर करते हैं, तो टेक्स्ट बुक से स्टडी करना अच्छा पड़ता है। तो उसी बुक के ऊपर फिक्स रहो, एक ही बुक के ऊपर स्टिक रहो। सेट स्मॉल टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होना चाहिए, स्मॉल टर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ गलती से मैंने स्मॉल टर्म लिखा है, शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके सेट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब क्या होता है कि आप एक दिन में क्या करने वाले हो या एक घंटे में क्या करने वाले हो, इतना भी छोटा आप गोल बना सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाओ और अचीव करने का कोशिश करो। जैसे कि एक दिन का आपने गोल बनाया कि एक दिन में मेरा हिस्ट्री का एक चैप्टर होना चाहिए, ज्योग्राफी का एक चैप्टर होना चाहिए, साइंस का एक चैप्टर होना चाहिए, ये आपका दिन का गोल है। तो उस गोल को पूरा करने का कोशिश करो, जब तक पूरा नहीं होता तब तक उठो मत, पढ़ाई छोड़ो मत। ठीक है, वैसे ही एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ कि मैं 4 दिन में क्या करने वाला हूँ या फिर मैं 15 दिन में क्या करने वाला हूँ, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, आपका 0% पढ़ाई हुआ है, तो आप सोचो कि ये दिवाली वेकेशन में मैं 30-40% तो सिलेबस कंप्लीट करूंगा ही, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब क्या कि टू डू क्या करना है, दिन में क्या करना है। ऐसे सुबह जब भी आप उठोगे या फिर पहले दिन रात को सोओगे तो दूसरे दिन की एक लिस्ट बनाओ कि मैं ये टॉपिक नेक्स्ट डे कंप्लीट करूंगा, और वो कंप्लीट करके ही उठो। जब तक कंप्लीट होता नहीं है तब तक बैठे रहो या तब तक पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो टू डू लिस्ट मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि आप ट्रैक पे हो कि नहीं, आपको पता होगा कि ये आपको करना है, आपने प्लान किया है कि ये करना है, तो वो करके ही उठो। ठीक है, ये डेली बेसिस पे बनाओ, सुबह एक तो बनाओ या फिर पहले दिन रात को बनाओ दूसरे दिन क्या करना है। ठीक है, वैसे ही पहले जब भी रात को आप सोओगे तो एनालाइज करो कि आपने ये जो टू डू लिस्ट में लिखा था वो आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है, कंप्लीट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो दूसरे दिन आपको वापस ज़्यादा मेहनत करके ये पहले दिन का भी बैकलॉग कंप्लीट करना है और दूसरे दिन के भी टू डू लिस्ट में जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी कोई भी चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले अगर आपको कुछ भी पता नहीं है वो चैप्टर के बारे में, ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो इनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। जिनको अच्छे से आता है, सब कुछ पढ़ा है, तो वो आगे का पार्ट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, वो रिविज़न करेंगे तो भी अच्छी बात है। सबसे पहले क्या है कि आपको एक यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो ऑनलाइन वीडियो है आपके पास, वो देखना है। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता है तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिलता है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होती है चैप्टर के बारे में कि ये चीज़ चैप्टर में है, तो एक ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करो, टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो क्या होगा, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे कि आप हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको पता होगा कि हर एक राइटर का बुक के बारे में दिया हुआ है कि कौन से राइटर ने कौन सा बुक लिखा। ठीक है, तो उस बुक को उस लाइन को अंडरलाइन करो। जैसे कि उसमें वोल्टेयर के इसमें लिखा है कि वोल्टेयर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो ये लाइन को अंडरलाइन करो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, वो अंडरलाइन वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और वो आप याद करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी फायदा हो सकता है उसका। ठीक है,
ये सबसे पहले देखो अप्रोच का करना है, पहले एक यूट्यूब वीडियो देखना है या कोई भी ऑनलाइन वीडियो देखना है, उससे आपको अप्रोच मिलेगा, एक ओवरव्यू मिलेगा। टेक्स्ट बुक रीड करना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बाद में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है। अगर आपने कुछ भी पढ़ के वो कुछ भी आपका पढ़ के हुआ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने के ऊपर ज़्यादा जाओ मत, और उस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में भी जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो, बाकी पूरा प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं, अभी आपके पास टाइम नहीं है और आपका होगा भी नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। उसके बाद मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम्स को खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, किसी से पढ़ोगे तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो क्या करते हैं कि बुक से मैथ्स के भी सम्स वो पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं कि ये स्टेप के बाद ये आया, ये स्टेप के बाद ये क्या ये आया, तो उनको लगता है कि उनको वो सम समझ गया, लेकिन आप उनको सम सॉल्व करने दो, कोई और सम सॉल्व करने दो तो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपका नहीं होने वाला, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके डाउट्स है वो आपके फ्रेंड से या फिर आपके टीचर से क्लियर कर लो, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको वापस फ्यूचर में डाउट्स नहीं आएंगे और आपका जो समय वो करेक्ट हो जाएगा, उसका आंसर सही आएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करो। कुछ चीज़ आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, आपसे हो ही नहीं रहा है, तो स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स को एकदम पक्का करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो ऐसे करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना या थियरम्स को खुद सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में आप भूल जाओगे, कितना आप समझ लोगे कि ये चलो इसके बाद ये स्टेप आता है, एग्जाम में बाद में भूल जाओगे, जब भी खुद सॉल्व करोगे तो आपको याद रहेगा और आप सॉल्व कर सकते हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, नहीं करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे तो क्या होगा, आपका परसेंटेज कम आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट जब भी आप स्टडी करते हो तो क्या करो, एक टेक्स्ट बुक रीड कर लो। अगर आपको टेक्स्ट बुक रीड करके भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक यूट्यूब वीडियो देख लो, या फिर कोई टॉपिक के ऊपर कोई अगर वीडियो है कहीं अवेलेबल है तो देख लो, उसमें आपको एक ओवरव्यू आएगा कि ये चैप्टर में असल में क्या लिखा है, क्या दिया है, उसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उसमें आपको पैराग्राफ्स आते हैं या फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है कि एक पैराग्राफ्स दिखे होते हैं और उसमें उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा पहले से, अगर आपको वो टॉपिक या वो चैप्टर आपको पहले से पता होगा तो आप आंसर्स आसानी से आंसर कर सकते, क्वेश्चंस आसानी से आंसर कर सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एग्जाम के टाइम, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको पहले से पता है तो आपको क्या करोगे, एग्जाम में एक दो बार रीड करोगे, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा, आप मार्क कर लोगे या उसमें से लिख दोगे सीधा। तो समझना आप चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो कम मार्क्स आते हैं उनको। और जो भी आपके जो एसेज होते हैं या फिर लेटर राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, मराठी मध्ये जाहिरात लेखन असतं, पत्र लेखन असतं, जे काही आहे ते आपण वाचू शकतो। कसं वाचणार, की इंटरनेटवरती आपण सर्च करायचं, इंटरनेट पे सर्च करना है कोई भी एसेज है, जैसे आप एसेज कोई भी देखो 10th स्टैंडर्ड के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, आपको बहुत सारे सैंपल एसेज मिल जाएंगे बोर्ड वेबसाइट के ऊपर या गूगल के ऊपर। उसके बाद सैम्पल लेटर्स भी मिलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग मिलेंगे, जो भी टॉपिक आपके पास बोर्ड में है वो सब चीज़ आपको अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, या कोई बुक भी मिलेगा उसमें से आप देख लो। बुक इतना खरीदने का ज़रूरत नहीं है, किसी के पास होगा तो आप बोरो कर सकते हो, और पढ़ो वो जो टॉपिक्स है वो पढ़ो, किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे कैसे लिखा है उसने, कैसे कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किया है, कैसे उसने ऐसे बिल्ड किया है, लेटर राइटिंग में कैसे उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के लेटर्स होते हैं, या फिर रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा है, ये सभी चीज़ आपको जब भी स्टडी करोगे तो आपको आइडियाज़ आएगा कि कैसे इन लोगों ने लिखा है। वैसे ही चीज़ आपको जब भी एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक आता है उसमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करना। नहीं तो क्या होगा, आप बाद में उसमें एग्ज़ाम के टाइम आप सोचते रहोगे क्या करना है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ उन्होंने इंक्लूड किया है, कैसे उन्होंने लेटर लिखा है, कोई भी टॉपिक के ऊपर कैसे लेटर लिखना है, ये सब आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद लिख के किसी से करेक्ट भी करा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आपके पास टीचर नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आते तो यूट्यूब से वीडियो देख के आप सीख सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ मैंने डिस्कस किया है, ये आपको हेल्प कर सकता है। और आप सोचो कि ये 10-15 दिन आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, उस 10-15 दिन में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा, अगर आपका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगा के वो इम्प्रूव कर सकते हो। 30-40% आप 30-40% नहीं, 25% भी आपने कंप्लीट कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और उसके बाद आप और आगे पढ़ाई करके
पास हो सकते हो या फिर आप आपका स्कोर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, जिसका रिवीजन, जिसका पढ़ाई करके पूरा हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है रिवीजन के लिए। एक बार आपका पूरा रिवीजन कर लो, उसके बाद स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जिसका पढ़ाई नहीं हुआ है उसके लिए भी स्कूल चालू होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, तो ये बेस्ट टाइम है, यूटिलाइज़ करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।